अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू प्लेटफॉर्म जॉब्स। गूगल जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप्स 2021। गूगल की तरफ से फीमेल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स अनाउंस की गई हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। ये स्कॉलरशिप्स बैचलर्स डिग्री जो कि स्टूडेंट्स कर रही हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड अगर उनकी फील्ड है तो ये स्कॉलरशिप्स उनके लिए हैं। इससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस टाइप की स्कॉलरशिप्स और डेली जॉब अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। आपने वेबसाइट एंटर करनी है, गूगल ओपन कर लेना है, www.find12rjobs.com। ये लिखा हुआ find12hourjobs.com, ये आपने वेबसाइट एंटर कर लेनी है। यहाँ पे फर्स्ट आपके सामने शो हो जाएगी फाइंड 12 आर जॉब्स के नाम से वेबसाइट, ये आपने ओपन करनी है। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ आपके सामने टुडे जॉब्स में भी जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप्स का ऐड आ रहा है, और अगर आप यहाँ से स्कॉलरशिप्स पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे भी आपके सामने डायरेक्ट यानी कि स्कॉलरशिप्स पे क्लिक करने से भी, और होम पे आप जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स का ऑप्शन है, और यहाँ से भी आप जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप 2021 ओपन कर सकते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो गया है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 मार्च है, इससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर स्टूडेंट्स ओनली जो कि बैचलर डिग्री यानी कि बैचलर प्रोग्राम कर रही हों और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की स्टूडेंट हो वो अप्लाई कर सकती हैं। ये इसका जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप डिटेल्स ये लिखी हुई है। इसमें आपको स्टूडेंट्स विल रिसीव $1,000 आपको मिलेंगे फॉर 2021 एंड 2022। फीमेल स्टूडेंट्स स्टडिंग कंप्यूटर साइंस आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रही हैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें आप देख सकती हैं आइडेंटिफाई एज फीमेल, ओनली फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं, और वो स्टूडेंट जो कि फुल टाइम इनरोल हों यानी रेगुलर स्टूडेंट हों वो अप्लाई कर सकती हैं। देन मैंने आपको बताया कि अब कौन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की स्टूडेंट अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि वो स्टूडेंट जिनका यूनिवर्सिटी में यानी बैचलर प्रोग्राम में या तो फर्स्ट ईयर हो या तो सेकंड ईयर हो, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर वाले ही अप्लाई कर सकती हैं। देन कौन सी कंट्रीज़ वाले अप्लाई कर सकती हैं, हमारा यहाँ पे आपके सामने आप देख सकती हैं ये सब कंट्रीज़ मेंशन है, और इसमें पाकिस्तान भी मेंशन है, ये एशियन कंट्रीज़ कुछ मेंशन है, और ये सब आपके सामने हैं आप देख सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश, सिंगापुर, ये सब कंट्रीज़ वाले अप्लाई कर सकती हैं। देन आगे नीचे ये सब इंफॉर्मेशन आप खुद यहाँ से रीड कर सकती हैं। आगे हाउ टू अप्लाई फॉर गूगल स्कॉलरशिप 2021 यहाँ पे देन कैसे अप्लाई करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगी तो आपके सामने इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, गूगल की ये वेबसाइट है। यहाँ आप देख सकती हैं आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ये ओवरव्यू का ऑप्शन है, यहाँ भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप इंफॉर्मेशन रीड कर सकती हैं। यहाँ देखिए आप देख सकती हैं कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल रिसीव $1,000 आपको मिलेंगे। अब इसके अलावा ओनली कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट्स, अब आगे यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे अब अप्लाई कैसे करना है, आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगी आप अपने ईमेल के थ्रू यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन ये आप रीड कर सकती हैं सारी इन्फॉर्मेशन। देन नीचे आप ये वही इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देन आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना नेम लिखना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ आमना अहमद, ये मैंने नेम लिख लिया अपना। देन आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ बताना है वुड यू लाइक टू रिसीव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स प्रोग्राम्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नो भी कर सकते हैं, येस भी, आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप करें। देन आपने यहाँ पे टिक कर देना है ये सारी जो
पॉलिसी ये, अगर आपने रीड कर ली है तो आप इस पर टिक कर देंगी और आप इससे एग्री करती हैं। सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगी तो आपका ये माई इन्फॉर्मेशन वाला यानी कि एक ऑप्शन आपने फिल कर लिया है फर्स्ट स्टेज। देन कॉन्टैक्ट एंड जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। यहाँ आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे मेक योर सिलेक्शन बतानी है, आप कौन से कंट्री से हैं। आप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकती हैं, अपना पाकिस्तान सेलेक्ट कर दें। देन नीचे आपने बताना है कि वॉलेंट्री सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, प्लीज़ इंडिकेट योर जेंडर, आई आइडेंटिफाई एज फीमेल, आपने ये क्लिक कर देना है और सेव कर देना है। देन आपने आगे थर्ड जो ऑप्शन है करंट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पे आपने फर्स्ट आपने करंट यूनिवर्सिटी लोकेशन, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ फर्स्ट आपने यहाँ पे अपनी यानी यूनिवर्सिटी की लोकेशन, आपने अपना कंट्री अगेन सेलेक्ट करना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो किस कंट्री में है। आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी नेम लिखना, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में या आप जिस कंट्री से हैं, आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ खुद लिखना है। देन आपने यहाँ पे बताना है व्हाट इज़ योर इनरोलमेंट स्टेटस फॉर दी 21-22 एकेडेमिक ईयर। तो फुल टाइम स्टूडेंट ओनली अप्लाई कर सकती हैं इसमें, तो फुल टाइम पे सिलेक्ट कर लेना है। आगे आपने प्लीज़ इंडिकेट इफ़ यू आर अ विजिटिंग एक्सचेंज स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी, इंडिकेट अबव। हाँ, आपने बताना है कि नो आई एम अ परमानेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पे परमानेंट स्टूडेंट पे आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने व्हाट डिग्री आर यू परसुइंग इन 2021-22, आपने यहाँ पे बताना है आपकी कौन सी ओनली बैचलर्स की ये स्कॉलरशिप्स हैं, तो आपने यहाँ पे बैचलर्स सेलेक्ट करना है। देन एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ ग्रेजुएशन, आपकी जो आप जो भी डिग्री कर रही हैं उसकी यानी एक्सपेक्टेड मंथ बताना है कि वो आपकी कब एक्सपेक्टेड है, कब आपकी ये डिग्री यानी कि कंप्लीट होगी। तो आपने यहाँ से वो मंथ कोई भी आप सेलेक्ट कर सकती हैं। जब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिसंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप ये भी ऑप्शन है आई एम नॉट करंटली इनरोल्ड। देन यहाँ पे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, आपने यहाँ पे ऊपर मंथ सेलेक्ट किया, अब अपने ईयर सेलेक्ट करने कौन सी ईयर में आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपने करंट मेजर, आपने अपनी यहाँ पे मेक योर सिलेक्शन, अब ये देखिए ये सब फील्ड्स आ गई हैं। अब ये फील्ड्स वाले अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। आपकी जो भी फील्ड है ज़्यादातर यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड्स हैं, तो आपने यहाँ से जो भी आपकी फील्ड है आप वो सेलेक्ट कर सकती हैं। मैं कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इफ़ योर मेजर इज़ नॉट लिस्टेड अबव, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फील्ड है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे फील्ड अपनी खुद लिख सकती हैं। अदरवाइज़ इसको आप वैसे भी लिख सकती हैं, अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो फिर भी आप यहाँ लिख सकती हैं। अदरवाइज़ इसको आप एम्प्टी भी छोड़ सकती हैं अगर आपकी फील्ड आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। देन प्लीज़ एंटर यूअर क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यहाँ पे आपकी जो लास्ट सेमेस्टर था वो आपने यहाँ पे उस GPA है या परसेंटेज है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। देन आपने सेव बटन पे क्लिक कर देना है, और देन आगे आपने वर्क एंड ये नेक्स्ट स्टेप इसी तरह फिल करना है जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। देन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स ये आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपने अपनी जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इन्होंने यहाँ पे आपसे यानी कि रिक्वायर्ड है वो आपने अपलोड करनी होगी, यहाँ पे उनकी पिक्चर्स, और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है यहाँ पे, जो कुछ यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है वो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देंगी। और आगे की जो स्टेप्स हैं बहुत इजी हैं, जो कि मेन मेन स्टेप्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और नेक्स्ट जब आपका ये 6 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने यहाँ से नीचे आकर यहाँ से सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई आपका अप्लाई हो जाएगा, और फिर आपको गूगल की तरफ से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको घर बैठे बैठे आपको ये गूगल जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि आपने सब इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आप इनके मेरिट जो भी होगा हर कंट्री के हिसाब से होगा, और अगर आपका मेरिट बनता है तो आपको गूगल की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप मज़ीद इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप चाहती हैं, तो चैनल से अटैच रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को आप लाजमी अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।